महाशिवरात्रि के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक और भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाकर मुक्तेश्वर नाथ बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिसकर्मियों तथा नागरिक सुरक्षा कोर के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर मंदिर में ले जाकर पूजा करने के लिए परमिशन दे रहे थे। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस के साथ ही मंदिर में जाने दिया जा रहा था तथा महिलाओं के लिए अलग तथा पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाया गया था। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कहा कि मुक्तेश्वर नाथ बाबा का दर्शन कर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां पर प्रत्येक वर्ष जल चढ़ाने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा मुक्तेश्वर नाथ को जल चढ़ाने से सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं तथा मंदिर के पुजारी ने कहा, क्या दिखा दे, मनीष कुमार पटवा। ये एक बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर शक्तिपीठ धाम है, ये जागता हुआ शक्तिपीठ है, हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे सैकड़ों सालों से लोग आते हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु बाबा को जल, कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग श्रद्धालु बाबा को जल चढ़ा चुके हैं। रात को 3 बजे से ही लाइन लगी हुई है। अरुण कुमार गुप्ता, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। पुराना यहाँ प्राचीन मंदिर है, इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चंदन कुमार गुप्ता, तीनों समाते 15 साल से, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है, यहाँ मान्यता बहुत है, बहुत दिनों से लोग आते हैं दर्शन करने, 15 साल से। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि में भगवान शंकर भगवान का और पार्वती जी का जो विवाह होता है, महाशिवरात्रि मनाया जाता है। बाल के श्राम त्रिपाठी जी का पर्व है, इसलिए मनाया जाता है। मंगलेश्वर भगवान का ये सबसे पहली महिमा है। यहाँ पे कितने सालों से आप आते हैं? यहाँ से अभी सब प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ की मान्यता जो आता है
उठाने हुए हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए लोग सब यहाँ आते हैं जनता के। सुनीता जायसवाल, महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के शादी का शुभ कार्यक्रम है, इसीलिए हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं आज के दिन। आज हम मंदिर पे आइए, क्या मान्यता है? हाँ जी, इसी मंदिर पे आप आइए, जल चढ़ाने क्या मानता है? जो मनोकामना करेंगे वो पूरा करेंगे भगवान भोलेनाथ मुक्तेश्वर नाथ। हम लोग तो बचपन से ही आते हैं यहाँ पे। जिनको महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि में आने से, भगवान को जल चढ़ाने से मन्नत पूरा हो जाता है। आज यहाँ पे इतने लोग आए हैं, अरे जितने लोग श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धा के अनुसार होता है। अभी सब गणना हम नहीं कर पाते हैं, क्या परसेंट आते हैं क्या परसेंट नहीं।